आज हम बनाएंगे बीटरूट फ्राई। बीटरूट बहुत हेल्दी चीज होता है और ये बच्चे खाना नहीं चाहता है, लेकिन इसको अगर ऐसे बनाएंगे तो ये जरूर खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीटरूट फ्राई करने के लिए बीटरूट के पहले छील लीजिएगा, बहुत ज्यादा डीप छीलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा हल्का से जस्ट ऊपर वाला लेयर आप हटा लीजिए। उसके बाद उसको ऐसे इसे कद्दूकस कर लीजिए, इसे छील के इसको कद्दूकस कर लीजिए। हम बीटरूट को कद्दूकस कर लिए हैं, 3 मीडियम साइज के बीटरूट लिए हैं और इसको छील के कद्दूकस कर लिए। अब हम कढ़ाई चढ़ा दिए, कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। ये बहुत ही हेल्दी होता है और ये बहुत कम ऑयल से बन जाता है। अब ऑयल में हम डालेंगे 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून कलौंजी डालेंगे और 1 हरी मिर्ची डालेंगे। आप ज्यादा मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो मिर्ची ज्यादा डाल सकते हैं। इसमें हम हमारा ये बीटरूट डाल देंगे। इसी में हम थोड़ा सा पानी लेंगे और ये पानी इसके साथ डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसमें ज्यादा सॉल्टी ये अच्छा नहीं लगता, तो सॉल्ट बहुत ज्यादा मत डालिएगा। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब इसे सीम करके इसको ढक के हम 5 मिनट के लिए पहले कुक करेंगे। 5 मिनट हो चुका है, ये सॉफ्ट हो चुका है। इसे एक बार अच्छे से और चला लीजिए और फिर से एक बार ढक के 3-4 मिनट के लिए रख दीजिए। और 3-4 मिनट हो चुका है, ये पूरी तरह से अच्छे से ये बॉईल हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब हम गैस को तेज करेंगे और इसे थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। बीटरूट बहुत ही हेल्दी है लेकिन बच्चे खाने नहीं चाहते। ये ऐसे बना के देखिए, आई विश बच्चे खा ले, तो जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो हाई फ्लेम में इसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया, ये बिल्कुल अभी फ्राई जैसे लग रहा है। अब ये बन चुका है, हम गैस ऑफ कर रहे हैं। गैस ऑफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं और ये गरम गरम खाने में भी सबसे अच्छा होता है, अच्छा लगता है। आप चावल के साथ ये तो बहुत ही टेस्टी लगता है, चाहे आप रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं। और गैस ऑफ करने के बाद ही आप इसे 1 टीस्पून घी देके मिला लीजिए। आप बटर भी यूज कर सकते हैं। बस हमारा बीटरूट फ्राई बिल्कुल रेडी है। हमारा बीटरूट फ्राई बिल्कुल रेडी टू सर्व है। इसे आप गरम चावल के साथ परोसिए
और टेस्ट कीजिए, बहुत ही टेस्टी भी है, हेल्दी भी है।